जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों छिंदवाड़ा से चूरी के बीच में और छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच में यह पहला खंड जो कि छिंदवाड़ा से चूरी का CRS 20 मार्च 2021 को कंप्लीट होने वाला है। और दोस्तों यहां पर 18 मार्च 2021 से ही ट्रायल चालू हो चुके हैं। दोस्तों आपको दिखाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट, आप देखिए हमारे साथ। दोस्तों कोरोना बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो दोस्तों कृपया आप मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। दोस्तों आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से जबलपुर रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के सपनों का पहला खंड पूरा होने जा रहा है। दोस्तों छिंदवाड़ा से चोरी तक के रेल मार्ग में 20 मार्च को ट्रेन चलाने की अनुमति मिल सकती है। बताया जा रहा है कि गेज कन्वर्जन विभाग द्वारा छिंदवाड़ा से चोरी तक किए गए ब्रॉडगेज रेलमार्ग के कार्यों का निरीक्षण 20 मार्च को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS करेंगे। दोस्तों CRS के आगमन को लेकर तिथि निर्धारित हो गई है। गौरतलब है कि 22 फरवरी 2021 को छिंदवाड़ा से इतवारी तक ट्रेन सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो गई है। अब छिंदवाड़ा वासियों को छिंदवाड़ा से जबलपुर तक ट्रेन सुविधा का इंतजार है। गेज कन्वर्जन विभाग वर्ष 2021 में छिंदवाड़ा से सिवनी नैनपुर तक ब्रॉडगेज कार्य पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो वर्ष 2021 में लोगों को छिंदवाड़ा से सिवनी भूमा नैनपुर होते हुए जबलपुर तक ट्रेन सुविधा मिलने लगेगी। दोस्तों स्टेशन मास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सूचित करते हुए कहा है कि चोरई से छिंदवाड़ा स्टेशनों के बीच नव निर्मित ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के ऊपर ट्रायल चालू हो गया है एवं हाई स्पीड ट्रेन 18 मार्च से परीक्षण एवं निरीक्षण के उद्देश्य से चलना शुरू हो जाएगी।
है।